सड़क से संसद तक मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर परेड कराने का मामला गूंज रहा है। इसी बीच पीड़िताओं ने अपने साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक कहानी साझा की है। वह लगातार पुलिस पर ही आरोप लगाती जा रही हैं। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट मोड पर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। खबर है कि 18 मई को पीड़िताओं की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक महिला के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार की बात कही गई थी। पीड़िताओं का कहना है कि कांगपोपी गांव पर हमला होने के बाद वे जंगल की ओर भाग गए थे, जहां से थोउबल पुलिस ने उन्हें बचाया और पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने बताया कि रास्ते में ही भीड़ ने करीब 2 किलोमीटर पहले रोक लिया था। दोनों महिलाओं की उम्र 20 और 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस शिकायत में पीड़िताओं ने बताया कि वे 5 लोग साथ थे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं। एक और करीब 50 वर्षीय महिला को भी कपड़े उतारने पर मजबूर किया। आरोप है कि तीनों में सबसे छोटी महिला के पिता और भाई को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरिंदगी का शिकार हुई 20 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि हमारे गांव पर हमला कर रही भीड़ के साथ पुलिस थी। पुलिस ने हमें हमारे घर से उठाया और गांव से थोड़ा दूर ले गए और हमें भीड़ के साथ सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस ने हमें उनके हवाले कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का कहना है कि सभी पुरुषों के मारे जाने के बाद भीड़ के जो मन में आया वो किया। वो बताती हैं कि इस घटना के वीडियो के बारे में परिवार को किसी को भी नहीं पता था। पीड़िता ने बताया कि कई लोग होने के बाद भी वह कुछ लोगों को पहचानती हैं। उनमें से एक शख्स तो उसके भाई का दोस्त भी था। खबर है कि पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। आरोपी का नाम खुरियम हीरोदास बताया जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और राज्य केंद्र सरकार से मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही CJI ने मामले में सरकार से दखल देने की अपील की है। फिलहाल शीर्ष न्यायालय ने इस घटना को लेकर 28 जुलाई को सुनवाई करने की तारीख मुकर्रर की है।